दगांवकर, ENT स्पेशलिस्ट जिला चिकित्सालय देवास, और यहाँ कोविड केयर सेंटर में मेडिकल सेक्शन पूरा देख रहा हूँ। हमारा कोविड केयर सेंटर जो है वो प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर जो भी पेशेंट आएंगे उनका सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उस मरीज की जाँच की जाएगी। हमारे यहाँ पर दो तरह के पलंग उपलब्ध हैं, एक ऑक्सीजन वाले हैं और बिना ऑक्सीजन वाले हैं। हमारे यहाँ एक ऑक्सीजन का प्लांट भी जो है वो लग चुका है, जिसमें 550 LPM की जिसकी क्षमता है, जो हमारे 110 ऑक्सीजन बेड्स के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सफिशियंट है। विशेषज्ञ द्वारा मरीज़ की जांच किए जाने के पश्चात उसका जो है वो इलाज प्रारंभ किया जाएगा। हमारे यहाँ तीनों शिफ्टों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध है, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध है, एक शिफ्ट में दो चिकित्सक रहेंगे जो पूरे समय मरीजों के लिए जो है उपलब्ध रहेंगे। हमने कुछ विशेष वॉलंटियर्स तैयार करे हैं जो कि मरीज और उनके अटेंडर इसके बीच में सेतु का काम करेंगे। मरीज़ की क्या स्थिति है इसके बारे में जो है वो अटेंडर को बताएंगे, और अगर उनका कुछ सामान वगैरह अंदर देना है तो उनके द्वारा जो है वो सामान अंदर दिया जाए। मरीजों के लिए हम लोग यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की तो व्यवस्था है ही, इसके अलावा हर पलंग के ऊपर नेबुलाइजेशन की व्यवस्था है, RO वाटर की व्यवस्था है, गर्म पानी के लिए केतली की व्यवस्था है। इसके अलावा म्यूज़िक की भी हमने व्यवस्था करी है जिससे कि मरीजों का मन लगा रहे, और उसके साथ हम लोग जो है वो योगा का भी यहाँ पर योगा भी करवाएंगे योगा टीचर के द्वारा, जिससे कि उनको सांस लेने में आसानी हो और उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छा बना रहे। भोजन की व्यवस्था मरीजों को जो है वो सुबह के समय चाय, उसके बाद नाश्ता भोजन, शाम को फिर चाय और नाश्ता, और रात को भोजन, ये जो है मरीजों को दिया जाएगा। और उनके अटेंडर लोगों के लिए भी कैंटीन की व्यवस्था की गई है। ये सब निःशुल्क रहेगा मरीजों के लिए, क्योंकि कोविड के केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, इसलिए देवास ज़िले के लिए ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी। क्योंकि हम अभी देख रहे थे कि जो मरीज आ रहे थे उनको ऑक्सीजन बेड मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी, मरीजों को इधर उधर भटकना पड़ रहा था, तो ये सेंटर चालू होने के बाद ये समस्या दूर हो जाएगी और जो हमारा रिकवरी रेट है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा। इसको बनने में करीब करीब 15 से 20 दिन लगे, कार्य युद्ध स्तर पर किया गया, और जिस गति से कार्य किया गया है मेरे ख्याल से बहुत कम संस्थान ऐसे होंगे जो इतने कम समय में इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर सकें। सबसे बड़ा चैलेंजेस है मरीजों को, एक तो उनको जो है वो ऑक्सीजन की अत्यंत आवश्यकता है जो हम यहाँ पे पूर्ति करेंगे, और दूसरा मरीज जो रहता है वो जब अस्पताल में आ जाता है तो कोविड के अंदर विशेषता ये रहती है कि उसके साथ उसका अटेंडर नहीं रहता है, तो उसके कारण मरीज को ज़्यादा घबराहट होती है। तो हमने सब हमारे स्टाफ को इस तरह से ट्रेनिंग दिया है कि मरीज़ के साथ इस तरह का व्यवहार हो कि उसे ये नहीं लगे कि वो किसी अस्पताल में या सेंटर में भर्ती है, उसको घर जैसा ही माहौल लगना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेंटर जो है बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और मरीजों को इससे काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद।